हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजूज लाइव। आप सभी पेरेंट्स का ये कहना होता है कि आजकल के बच्चे कोई बात सुनते ही नहीं हैं। उनके भले के लिए कुछ कहा जाए तो भी वो हमारी बात नहीं सुनते। आप भी अगर इसी प्रॉब्लम में से जा रहे हो तो ये वीडियो को मिस मत करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, वो ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को बिना गुस्सा करके भी समझा सकते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं, माँ और पापा दोनों भी जॉब करने वाले होते हैं। अगर माँ और पापा दोनों भी जॉब करेंगे तो बच्चे घर पर अकेले ही रहेंगे ना, तो बच्चे मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। मोबाइल गेम्स इन्हें खेलने में ही वो व्यस्त रह जाते हैं। उन्हें ज़्यादा किसी में घुलना पसंद नहीं होता, तो वो अकेले पड़ जाते हैं और थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें कैसे समझाया जाए? तो ऐसे सिचुएशन में हमें हमारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर पेरेंट्स जॉब करते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कैसा कर सकते हैं? सबसे अच्छा टाइम है उन्हें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, वो है डिनर टाइम। डिनर टाइम पे वो अपने बच्चों के साथ दिन भर जो हो गया वो शेयर कर सकते हैं। तब बच्चे भी अपनी बातें अपने माँ और पापा के साथ शेयर करेंगे, तो इस तरीके से शेयरिंग करना सीखेंगे। खाना खाते समय अपने बच्चों को शेयरिंग करना भी सिखाइएगा, मतलब खाना शेयरिंग करना। तो उसके बाद मॉर्निंग टाइम, बहुत ही इमोशनल टाइम होता है, उस समय बच्चे नींद में होते हैं। अगर हम हमारे बच्चों को बहुत प्यार से उठाते हैं, मतलब उन्हें जो भी हम नाम से बोलते हैं वो नाम लेके अगर हम बहुत ही प्यार से हग देके उन्हें उठाएंगे, 5 या 10 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो बच्चे बहुत ही खुश होकर उठेंगे और पूरा दिन फ्रेश और खुश रहेंगे, तो अपनी बातें वो झट से मान जाएंगे बिना कुछ कहे। थर्ड, जब बच्चे स्कूल से घर वापस आते हैं वो टाइम, घर पर आते ही अगर उन्हें पढ़ाई करने को बोलोगे तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो थक कर आते हैं। उन्हें थोड़ा देर घर के एटमॉस्फेयर में घुलने दीजिए, उसके बाद वो खुद पढ़ाई को बैठेंगे। फोर्थ है सोने का टाइम। जब बच्चे सोने जाते हैं तब हमें हमारा सभी काम साइड में रखकर उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, मतलब स्टोरी टाइम, बेड टाइम स्टोरी, जो अच्छे और मॉरल स्टोरीज होते हैं उन्हें बताइए। स्टोरी सुनकर बच्चे कुछ अच्छा ही सीखेंगे और हमें उन्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, बिना बोले ही वो हमारी बात मानने लगेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा करने की जिद आ जाती है। और यही आप अगर गुस्सा करके सिखाओगे तो उल्टा उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे मम्मी पापा हमें तो प्यार ही नहीं करते और वो हमारी बात नहीं मानेंगे। अगर हम प्यार से समझा के उन्हें सिखाएंगे तो वो हमारी बात झट से मान जाएंगे। तो है ना एकदम काम के नुस्खे। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको आज की टिप्स कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।